अभी करीब 4-5 दिन से मेरे ब्लॉग नहीं आ रहे हैं, क्योंकि इस बीच थोड़ा तक सारे अभी मतलब एक साथ ऐसा मौका होता है कि एक साथ मिलते हैं सब लोग, तो उस मौके पे ना जा पाओ, और मिस भी कर रही हूँ मैं काफी सब लोगों को। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। सबसे पहले आप सभी बड़ों को मेरा नमस्कार पहला, और सभी छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार। मैं बबीता स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल बबीता मेहरा ब्लॉग्स में। अभी बज गए हैं मॉर्निंग के 10, तो अभी मैं अपने घर पर हूँ क्योंकि आज है संडे और स्कूल की छुट्टी। अभी करीब 4-5 दिन से मेरे ब्लॉग नहीं आ रहे हैं, क्योंकि इस बीच थोड़ा तबीयत भी सही नहीं थी। जब इंजेक्शन ख़त्म हुए तो उसके बाद थोड़ा तबीयत ख़राब होने लगी थी, फिर और चेकअप कराया तो पता चला कि मेरा जो हीमोग्लोबिन है वो थोड़ा कम हो रहा है, तो इस वजह से थोड़ा बहुत तबीयत बिगड़ गई थी। तो फिर अभी ठीक है आज। तो अभी सुबह का काम तो हो गया है, नाश्ता वगैरह भी हो गया है सबका, और मैं अभी अपनी छत पर ही हूँ। पीछे से बिल्कुल हरा भरा, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है खेत हमारा। तो यहाँ पर हमारे फूल भी खिल गए इतने सारे, लेकिन बरसात में शायद ये अच्छे नहीं हो रहे हैं। हैं तो ये बड़े वाले, लेकिन ये अच्छे से नहीं खिले हैं बरसात की वजह से। मम्मी अपने फूलों को निहारते हुए, तो अभी आप लोग पहले पापा से मिल लीजिए, क्योंकि फिर पापा कहीं जा रहे हैं तो फिर उसके बाद दिन में ही आएंगे। गुड मॉर्निंग, ठीक होंगे आप लोग? मैं भी ठीक हूँ। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो और कल्याणकारी हो। मैं भी आज कहीं शिंगाली की तरफ भ्रमण पर जा रहा हूँ, तब तक आप लोग पिता द्वारा बनाए गए ब्लॉग पर बने रहिए, ढेर सारा प्यार देते रहिए। थैंक यू, मिलेंगे शाम को 4 बजे। तो अभी पापा जा रहे हैं यहीं सिंगाली की तरफ को, तो अब आएंगे दिन के टाइम या मतलब शाम तक कभी भी आ सकते हैं। हाँ, मैं अभी दुकान में मम्मी और मैं, देखते हैं हमारा आज दिन भर में क्या क्या हो पाता है, तो आप लोग बने रहिएगा ब्लॉग में। बाय बाय कर दो। और हमारे खेत की सब्जी देखिए, यहाँ पर मिर्च थी, थोड़ी बहुत मिर्च हो रही है, और यहाँ पर शिमला मिर्च तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, थोड़े बहुत बैंगन हो रहे हैं यहाँ पर। फटके पौधे भी ठीक हो रहे हैं, और ये यहाँ पर मक्के के पौधे ये भी ठीक हो रहे हैं, और जो ये पापा ने लोबिया के पौधे के लिए ये ठकरे लगाए थे, तो इनमें बेल जानी स्टार्ट हो गई है। देखिए थोड़े बहुत बैंगन यहाँ पे भी हो रहे हैं, और शिमला मिर्च के सारे पौधे हमारे ख़राब हो चुके हैं। यहाँ पर ये लास्ट पौधा बचा है, ये ऐसा हो रहा है, बस एक पौधा ये है तो इसमें थोड़े बहुत लगे हुए हैं, बाकी तो सारे शिमला मिर्च के पौधे ख़राब हो गए हमारे। हमारे घर के तरफ पीछे जो ये खेत है उसके यहाँ पर एक नाशपति का पेड़ है, तो काफ़ी ज़्यादा नाशपति लगे हुए हैं। ये देखिए यहाँ पर आजकल मौसम जो है सुबह और रात को जो बारिश हो रही है और दिन में धूप आ रही है, तो मौसम ऐसे ही बदलाव हो जा रहा है कभी भी, तो आज का मौसम भी ऐसा ही है। अभी तो बादल हो रहे हैं और हल्की हल्की किस टाइम धूप भी लग रही है, सुबह तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। तो हमारे घर के सामने जो रोड है, यहाँ पर ऊपर पे को फील्ड है, फील्ड में से थोड़ा सा ये जो है वो सब नीचे को गिर गया है, मिट्टी थोड़ा रोड के किनारे आ गई, मतलब बारिश से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। यहीं पर ऐसा हो रहा है तो आगे बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही होगी रोड। तो अभी बज गए हैं 11:30 और अभी पापा भी आ गए हैं, और पापा बहुत सारा सामान लेके आए हैं अभी। तो देखिए पापा इतना सारा सामान लेके आए हैं, इसमें नमकीन वगैरह है, और थोड़ा अभी ये दुकान में लगा भी दिया है, और बाकी जो बचा है उसको रख रहे हैं फिर से अंदर। तो गाइस पापा आ गए हैं अब दुकान पे को, और मैं आ गई हूँ अब नीचे, और मम्मी बना रहे हैं किचन में खाना वगैरह। देखते हैं मम्मी आज खाने में क्या बना रहे हैं, खाने में क्या क्या बन रहा है। अरे तो मम्मी दाल छौंक रहे हैं, कढ़ाई में दाल छौंक रहे हैं, और फिर अभी चावल नहीं रखे हैं, दाल उबाली इस कुकर में, इसी में अभी चावल बनाएंगे। आज बनाई है हमने घर के मसूर और अरहर की दाल। अभी दाल थोड़ा सा और गर्म होने को रख दिया है उबलने को, छौंक लगाने के बाद।
कढ़ाई में दाल और कुकर में चावल रख दिया मम्मी ने। तो अभी मैं आ गई हूँ अपने कमरे में और मम्मी बना रहे हैं खाना, क्योंकि आजकल मम्मी मुझे कोई काम नहीं करने देते हैं। जब से थोड़ा तबीयत ख़राब हुई है तो पानी वगैरह का काम भी नहीं करने देते हैं, और खाना वगैरह तो वैसे मम्मी बनाते हैं ज़्यादा। तो आज छुट्टी थी लेकिन आज भी मम्मी बना रहे हैं। तो गाइस आज जो है वो मेरे मायके में है नामकरण छोटे बेबी का, तो मैं तो नहीं जा पाई, तबीयत भी ऐसी ही हो रही है। ये कल परसों में तो बहुत ज़्यादा हो गया था, फीवर भी आ गया था, तो फिर से गई मैं चेकअप कराने के लिए। तो अभी फिर से रेस्ट वगैरह और वही खाने पीने में थोड़ा सा परहेज़ और मेडिसिन वगैरह दे रखी हैं, ज़्यादा तबीयत ख़राब ना हो जाए, इसलिए मैं नहीं जा पाई। और बुरा भी लग रहा है कि नहीं जा पा रही हूँ, जैसे मायके में कुछ भी फंक्शन हो कुछ हो तो अगर नहीं जा पाओ तो बुरा लगता है। अभी तो वैसे भी सब लोग साथ में होंगे सारे, अभी मतलब एक साथ ऐसा मौका होता है कि एक साथ मिलते हैं सब लोग, तो उस मौके पे ना जा पाओ तो बुरा लगता है। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा है, अब नहीं जा पाई कोई बात नहीं, शायद फिर कभी मिलना हो पाए। मैं भाई लोगों से काफ़ी टाइम बाद मिलूँगी सोचा था मैंने इस बार, तो मैं नहीं मिल पाई उनसे भी। तो अब जब कभी अगर वो लोग यहाँ आएंगे या मैं वहाँ जा पाऊँगी तो फिर हो जाएगा मिलना। आज तो बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ सबको, क्योंकि होता ही है सब लोग साथ में हों और अपना वहाँ ना जा पाओ तो बुरा लगता है, और मिस भी कर रही हूँ मैं काफ़ी सब लोगों को। मैं तो अपने कमरे में ही बैठी हुई थी और इतने में ही मम्मी ने मेरे लिए खाना भी बना दिया है, रोटियाँ बना दी हैं और दाल। ये रहा मेरा आज का दिन का खाना, अभी मैंने खा लिया है दिन का खाना और अभी पापा और ये खा रहे हैं, और मैं जाती हूँ दुकान में क्योंकि अभी मम्मी बैठे हुए हैं, तो मम्मी जाएंगे खाना खाने के लिए। तो अभी पापा खाना खा के पानी भरने जा रहे हैं, अभी सब लोग खाना पीना खा के गप्पे मार रहे हैं। और अभी आसमान में आ गई है चमचमाती धूप। तो अभी खाना खा के हो गया है दिन में रेस्ट करने का टाइम, तो अभी थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं और मिलते हैं आपको इवनिंग टाइम पे। तो गाइस दिन के ब्लॉग को मैं कंटिन्यू कर रही हूँ इवनिंग में, और अभी बज गए हैं इवनिंग के 6 और अभी हम लोग यहीं पर बैठे हुए हैं ऊपर दुकान पे, को हमारी शाम की चाय वगैरह भी हो गई है, और अभी दिखाते हैं यहाँ पर कौन कौन बैठे और क्या कर। तो सबसे पहले तो यहाँ पर इनका मेहंदी सेशन चल रहा है, अभी मैंने इनके हाथों पे मेहंदी लगाई है दोनों के हाथों पे, मम्मी के भी और कमला भाभी के भी। ऐसे लगा दिया, मुझे भी नहीं आती मेहंदी लगानी लेकिन ऐसे लगा दिया। और यहाँ पर बुआ भी आ रखी है, घास काटने आई थी और वो रही बुआ की घास की बारी, यहाँ पर बैठी है। और पापा अखबार पढ़ रहे हैं अपनी दुकान में बैठ के। अभी तो इनके हाथों में मेहंदी लगा दी है मैंने, और अब कल दिखाएंगे आपको कि कैसा रंग चढ़ा है इनके हाथों में। अब यहीं पर से हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए, आज हम काफ़ी टाइम बाद घूमने जा रहे हैं, मेरी तबीयत की वजह से कहीं नहीं जा पाते हैं। तो अभी शाम के टाइम पर मौसम भी सही हो रहा था और इसलिए घूमने के लिए जा रहे हैं हम ऐसे घर के पीछे साइड। और मेरे पीछे पीछे आ रही हैं बुआ और ये दोनों चल रहे हैं आगे आगे को। मैंने अभी सर में टोपी भी पहन दी है कि ठंडा भी हो रहा है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, मौसम अच्छा हो रहा है अभी फिलहाल घूमने जैसा। तो ऐसे ही हम लोग वॉक पे चल रहे थे सब लोग, तो कहाँ तक पहुँचते हैं दिखाएंगे आपको। देखिए मंदिर का गेट, हम यहाँ पहुँच गए हैं और पूरा हरा हरा अच्छा लग रहा है, हरियाली सावन में इतनी हरियाली। बस अब भोलेनाथ मंदिर के उधर पहुंचने वाले हैं, चलते चलते यहाँ पहुंच ही गए। तो हम पहुंच गए हैं भोलेनाथ मंदिर के, वहाँ पे ये रहा मंदिर। हम लोग यहीं पर तक घूमने आए थे और बुआ ने ठकरा भी काट दिया है, अपने बेल वगैरह हो रहे होंगे बुआ के घर में, तो उसके लिए बुआ ने लकड़ी काट दी है जिसको हमारे यहाँ ठकरा बोलते हैं। ये देखिए ककड़ी के लिए, ककड़ी के लिए, ककड़ी के बेल के लिए बुआ ने, ककड़ी के झील के लिए बुआ ने ठकरा काट दिया है। जब बुआ ककड़ी देगी फिर दिखाऊंगी आपको बुआ ने ककड़ी दी है करके। तो अभी हम लोग घूमने आए थे तो बुआ ने साथ में ये काम भी कर दिया, हमारा घूमना और बुआ का काम।
चीड़ के पेड़ की टहनी काटी है बुआ का, तो काम हो रहा है इन दोनों का। देखिए बस फोन में ही लगे हुए हैं। तो अभी देखिए शाम का मौसम कुछ ऐसा हो रहा है। तो अभी हम लोग आ गए हैं टहलने से और अब कर लेते हैं शाम के खाने की तैयारी, क्योंकि अभी 7:15 हो चुका है। और आज शाम की सब्जी में मैं बना रही हूँ आलू के गुटके, क्योंकि कल सोमवार है और मम्मी का फास्ट, तो प्याज लहसुन तो खाना नहीं हुआ। आजकल सब्जी वगैरह भी कुछ है नहीं, थोड़े बहुत बैंगन लगे हैं लेकिन आज बैंगन तो खाएंगे नहीं, तो इसीलिए आलू के गुटके ही बना रही हूँ आज मैं। आलू मैंने अभी उबलने के लिए रख दिए हैं कुकर पे वो, और अब बाकी काम कर लेती हूँ मैं किचन का, आटा गूंदना और चाय वाय वगैरह बनाना। तो अभी आलू भी उबल गए हैं, आलू उबाल के मैंने छील दिए हैं और कढ़ाई भी रख दी है गैस पे, सब्जी बना लेती हूँ। तो आलू के गुटके बन गए हैं और यहाँ पर रोटी भी बन रही है मेरे, और मैंने इसमें रख दिया है दूध गर्म करने के लिए। तो यहाँ पे पापा के लिए थाली रेडी कर दी है, सब्जी रोटी और मट्ठा।